नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। पंचभुज का ये दूसरा भाग है। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का कोई प्लाट हो जिसमें पांच भुजाएं हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और इसे हेक्टेयर और एकड़ में कैसे जांच पाएंगे कि कितना है, मतलब कितना हेक्टेयर जमीन है या कितना एकड़ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। और ऐसा अगर कभी प्लाट आपके सामने आएगा तो इसका क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो लिखा हुआ है, माने जो नपा हुआ है, वो कड़ी में है। कड़ी, इसी को चैन भी बोलते हैं। और एक जरीब में 100 कड़ी होता है, ठीक है। एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा होता है, 20.11 सेंटीमीटर। तो हम वहां नहीं जाएंगे सेंटीमीटर या फुट में, क्योंकि कड़ी में है तो हम कड़ी से ही क्षेत्रफल निकालेंगे और कड़ी से ही सीधा हम इसे हेक्टेयर में बदलेंगे। तो अब एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे कि 800 कड़ी, 650 कड़ी, इतनी बड़ी बड़ी माप है, तो आप जब इसका इसका कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी समस्या होगी। तो जब भी कड़ी का मान 100 कड़ी, 200 कड़ी के आसपास हो, तब आसानी से उसका क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर बड़ा अंक हो गया 650 या 1000 कड़ी, तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसे आप जरीब में बदल लो। कड़ी को किसमें बदल लो? जरीब में। आप जानते हो कि एक जरीब में 100 कड़ी होता है, तो इसका मतलब कि 800 कड़ी में कितना जरीब होगा? सब में 100 का भाग दे दो। जब 100 का भाग दे दोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 8। 00 से 00 कट गया ना, 8 जरीब। लंबाई कितनी हो गई? 8 जरीब। ठीक इसी तरह से यहां जब 100 का भाग देंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 6.5 जरीब। यहां भी कितनी जरीब आ जाएगी? 3.5 जरीब। और यहां भी कितना आ जाएगा? 6.5 जरीब। अब हमें केवल जरीब से ही करना है, इससे बहुत आसान हो जाएगा। ये लंबाई जो है वही यहां से यहां तक भी होगी, ठीक है। हालांकि ये खाली स्थान है, लेकिन फिर भी हम इसे क्षेत्रफल निकालने के लिए भर देंगे, क्योंकि इसे जब तक भरेंगे नहीं, यानी कि इसे जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्रफल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जब हमने बंद कर दिया तो ये एक आयताकार खेत, आयताकार प्लाट हो गया, जिसकी लंबाई 8 जरीब, लंबाई 8 जरीब और चौड़ाई 6.5 जरीब है। जितना इधर उतना ही इधर। तो हम पूरे खेत का, यानी कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालें, इसका मतलब कि आयत का क्षेत्रफल निकालें, पूरे आयत का। उसके बाद जो ये त्रिभुजाकार आकार है, इसका क्षेत्रफल निकालें, और जो पूरा क्षेत्रफल आया है उसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, क्योंकि ये घुसा हुआ है ना अंदर, इसे घटा देंगे तो जो शेष बचेगा उसका क्षेत्रफल ये जो शेष बचेगा उसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। कब? जब पूरे में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो चलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं, ये पहला आकार है और ये दूसरा, यानी पहली आकृति ये पूरी और दूसरी आकृति केवल त्रिभुज, ठीक। यहां पहली का मतलब केवल यही नहीं, पहली का मतलब पूरे से है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल, यानी कि पहले का क्षेत्रफल। तो पहले का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो, क्योंकि आयताकार है। लंबाई कितनी है? 8 जरीब। चौड़ाई कितनी है? 6.5 जरीब, 6.5। गुणा कर दीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 48 = 52, तो कितना आ गया? 52 वर्ग जरीब, 52 वर्ग जरीब। जब भी आपका नाप कड़ी में रहेगा, आप उसे जरीब में जरूर बदल देना, बहुत आसान हो जाएगा। और जरीब में बदलना बहुत आसान है, बस किनारे से 2 अंकों के पहले 0.5 लगा दो, हो गया, जरीब में बदल गया। 800 जरीब, 800 कड़ी, 8 जरीब। तो इस तरह से क्षेत्रफल आ गया 52 वर्ग जरीब पूरे का। पूरा मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें ये भी शामिल है। अब हम निकालेंगे दूसरे का क्षेत्रफल। तो दूसरे का क्षेत्रफल निकालने का मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि दूसरा जो चित्र है वो त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा करेंगे। तो तीनों भुजाएं कितनी हैं? एक तो है 8 जरीब, यहां से यहां, यहां से यहां 3.5 जरीब, और फिर इधर 6.5 जरीब बटे 2। जोड़ दो कितना आएगा, 8 × 3 = 11, 6 × 17 = 18, 18/2 = 9। यानी कि ये जो त्रिभुजाकार खेत है इसका अर्ध परिमाप आया 9। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो रूट का चिन्ह बना करके 9 × 9 में बारी बारी से इसकी भुजाओं को घटा देना है। तो 9 में 6.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5। 9 में इधर वाला 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। 9 में 3.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.5, 5.5। और सबका गुणा कर दीजिए। जब सबका गुणा करेंगे, सबका मतलब कि 9 का 2.5 में, फिर 1 का, फिर 5.5 में, सबका गुणा करेंगे तो आएगा 123.75, 123.75। और फिर इसका वर्गमूल निकालना है क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है, तो आएगा 11.12, 11.12 वर्ग जरी। जो त्रिभुजाकार आकार है उसका क्षेत्रफल आया 11.12 वर्ग जरीब। अब 52 में 11.12 घटा दें तो ये जो पहले आकार बना था प्लाट का उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें लिखना है प्लाट का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल बराबर 52 में 11.12 को घटाना है, 52 − 11.12 तो कितना आएगा, 40.88, 40.88 वर्ग जरीब, 40.88 वर्ग जरीब। ये जो मतलब पंचभुजाकार खेत था या प्लाट था उसका क्षेत्रफल 40.88 वर्ग जरीब आया। अब हमें ये पता करना है कि ये कितने एकड़ का है। तो एकड़ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि एकड़ की माप आपको पता होनी चाहिए कि एक एकड़ में कितने वर्ग जरीब होता है ना। तो एक एकड़ में 10 वर्ग जरीब होता है, याद कर लीजिए, 10 वर्ग जरीब बराबर 1 एकड़। तो ये 0.1 अंक इधर चला आएगा, 4.088 एकड़ में माप आ गई, 4.088 एकड़। अब अगर इसे हेक्टेयर में बदलना है तो आपको हेक्टेयर की माप पता होनी चाहिए। एक हेक्टेयर में होता है 24.7 वर्ग जरीब। जैसे एक एकड़ में 10 वर्ग जरीब, वैसे वैसे हेक्टेयर में 24.7 वर्ग जरीब। तो जब भाग करेंगे तो आएगा 1.6550 हेक्टेयर। यानी कि ये जो आपका प्लाट था जिसकी माप कड़ी में थी, सबसे पहले आपने उसे उसकी माप को जरीब में बदला, जो कि बदलना बहुत आसान है। उसके बाद पूरे खेत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, आयत के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया तो इस जो प्लाट है उसका क्षेत्रफल आ गया। फिर उसके क्षेत्रफल में एक एकड़ का जो क्षेत्रफल होता है उसका भाग दिया तो एकड़ आ गया, और एक हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल होता है उसका भाग दिया तो हेक्टेयर आ गया। तो ये यानी कि अगर ये प्लाट खतौनी में दर्ज हो तो इसकी माप हेक्टेयर में रहेगी और लिखा रहेगा 1.6550 हेक्टेयर। तो मुझे लगता है कि अब आप पंचभुजों माने मतलब ऐसा प्लाट या खेत जिसमें 5 भुजाएं हों, अगर यही भुजा आगे गई रहेगी तो उसे जोड़ेंगे, उसे चतुर्भुज में जोड़ेंगे, लेकिन ये अंदर घुसी रहेगी तो उसे चतुर्भुज में घटाएंगे। यही मैंने दोनों वीडियो में दिखाया, पहले वाले में जोड़ा गया है चतुर्भुज में यानी कि आयत में त्रिभुज को, और दूसरे वाले यानी कि आज वाले में चतुर्भुज में इसे घटाया गया है। क्यों घटाया गया है, क्योंकि ये चतुर्भुज में घुसा हुआ है त्रिभुज। वहां क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि वहां चतुर्भुज के बाहर था, ठीक। तो जब बाहर रहेगा तो जोड़ेंगे, अंदर रहेगा तो घटाएंगे। अब अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे
कि अगर न बाहर हो न अंदर हो बल्कि ये अनियमित आकार का हो, यानी कि पांच भुजाएं पांच तरह की हो, तब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे और इसे कैसे हेक्टेयर एकड़ में बदलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।